80 रुपीस में। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, 80 रुपीस में आप देखें क्या क्या चीजें डल रही हैं। ठीक है, मतलब 80 रुपए में, 80 रुपीस में आपको क्या चाहिए इसमें, ये देखिए आप बेहतरीन, इसमें इतने सारे आइटम डल गए। और आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई करें, ये जो है ये आपको PIB कॉलोनी, ये सब्ज़ी मार्केट है, और सब्ज़ी मार्केट में यहाँ पर जो है ये भाई होते हैं। और इस ठेले का नाम क्या है? अरमान नंबर 1 बेलपुरी के नाम। जो है आपने क्या बताया था इसका नाम? ये शिवपुरी हमारी। ये 50 रुपये की है? हाँ ये 50 रुपये। ये तो है छोले, और ये जो है ये कौन से पकौड़े कहलाते हैं? ये लाहौरी बूंदी है। लाहौरी बूंदी? हाँ लाहौर से ही आई है। अच्छा स्पेशली ये लाहौर से ही आई है? हाँ लाहौर से आई है। बहुत है। और ये हमारे पानी जो ब्लू शॉर्ट का होता है, हरे कलर का, हरे मसाले, हरे मसाले। पानी जो है इसका दिखा भी देंगे आगे जाके। और ये देखें, ये सेव, वो है लॉरी बूंदी और छोले होते हैं गोलगप्पे के लिए। और ये फिर सेव है, और ये फिर इसकी चटनी है, ये सॉस है, ये इमली की चटनी, ये आलू बुखारे की चटनी, ये मीठी दही, और फिर ये गोलगप्पे। जबरदस्त। टोटल कितने आइटम है? टोटल 5 आइटम। टोटल 5 आइटम है। इसमें आपके पास किस 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 अकसाम के जो है गोलगप्पे होते हैं? एक होता है ना, कोई कहता है कि भाई इसमें मीठा नहीं डालो, इसमें नमकीन ज़्यादा बना दो, तो इसमें इसमें क्या कैटेगरीज है? बिल्कुल अलग है मेरे पास, पानी पूरी भी अलग है, शाही पूरी भी अलग है, और ये मीठी पूरी भी अलग है। मैं अभी आपको शाही पूरी खिला रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चले शाही पूरी ट्राई करके दिखाए कैसा है। और ये एक दर्जन जो है क्या हिसाब है एक दर्जन का? शाही पूरी एक दर्जन जो वो 150 है, पानी पूरी 100 की है, मीठी पूरी 100 की है। ठीक है ज़बरदस्त। ये जो आपने 6 निकाले, ये 6 का क्या बनेगा? ये 6 के जो 80 रुपीस हैं। 80 रुपीस। हाँ, और इसमें मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ मैं क्या क्या डालता हूँ। देखिए इसमें आलू है, किचन है, और ये बूंदी। अच्छा ये बूंदी का आप बता रहे थे स्पेशल है? ये बिल्कुल स्पेशल है, और ये हमारी लाहौर की बूंदी होती है बेसन की, ये हम बनाते हैं। तो ये कराची में आपको मिलेगी नहीं? नहीं, लाहौर में ही मिलेगी। लाहौर में मिलती है, और लाहौर से ही हमने बनवाई है ये। देखा, अब ये 3 चीज़ें डाली हमने। अब ये क्या जा रहा है? ये बेलपुरी जाएगी इसके अंदर, शाही पूरी में। अच्छा हाँ, ये देखो जबरदस्त। वाह भाई वाह, ये तो भरता जा रहा है। हाँ ये आपको मैं चटनियाँ डाल के दे रहा हूँ। देखें ये हमारे चटनी, देखें यार ये देखें। वाह भाई वाह। अच्छा इस चटनी में बताएं क्या खासियत क्या है इसमें, ये क्या क्या चीज़ें डलती है? माशा हमारे पास ये मिर्ची है, धनिया है, पुदीना, लहसुन, तो 4 चीज़ें हम डालते हैं। और ये इमली की चटनी, ये इमली की चटनी है। ये हमारे पास ये आलू की चटनी भी है, खट्टी होती है ये। खट्टी जी, ओके ओके। और ये हमारे पास ये गार्लिक सॉस है, हम लोग ये खुद बनाते हैं।
अच्छा खुद बनाते हैं। और ये आलू बुखारी की चटनी है मीठी। वाह भाई वाह वाह भाई वाह। और ये हमारे पास दही है। ये दही है, प्योर दही होता है, इसमें कोई मिलावट कोई मिलावट नहीं, सिर्फ बर्फ डालते हैं बस। और इसमें इसके लिए स्पेशली हम इसमें क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल जो है आप कितने का दे रहे हैं? ये जो छः हैं ये 80 रुपीस में। 80 रुपीस में? वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। 80 रुपीस में आप देखें क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन, मतलब 80 रुपए में 80 रुपीस में आपको क्या चाहिए। इसमें ये देखें आप बेहतरीन, इसमें इतने सारे आइटम डल गए। और आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई करें। ये जो है ये आपको PIB कॉलोनी, ये सब्ज़ी मार्केट है। और सब्ज़ी मार्केट में यहाँ पर जो है ये भाई होते हैं। और इस ठेले का नाम क्या है? अरमान नंबर 1 बेलपुरी के नाम से। ठीक है, अरमान नंबर 1 बेलपुरी जो है। और ये आप आगे लास्ट में ट्राई करें। अब मैं इसको खा के मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें ये जो चीज़ें डाली हैं तो इसमें जायका कैसा आ रहा है, ये ज़रा मैं देखने। बेहतरीन जायका है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गोलगप्पे के अंदर पानी होता है, वो पानी में आप डुबोते हैं और वो खाते हैं। लेकिन इसका अलग ही यूनिक है कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, आपको पानी के अंदर डुबोने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसके अंदर टेस्ट है। पानी ले भी सकते हैं आप? हाँ, पानी इनके पास रखा हुआ भी, अगर पानी चाहिए अलग से पानी पीना है। लेकिन भारत इसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भर इतना गया है तो पानी की इसमें लिमिट है नहीं। अगर आप अलग से पानी की सिप लेना चाहें वो भी इनके पास मौजूद है। फिर तो इसमें टेस्ट ऐसा आ रहा है, अलग अलग टेस्ट आ रहा है, चने का भी टेस्ट आ रहा है। इसमें जो इनने जो सॉस इसमें डाला है, ये देखिए इसमें जो सॉस है इसका अलग ही टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। 80 रुपए की प्लेट है, इससे आपको कम में कहीं मिलेगी नहीं ये ऐसी चीज़। इसमें जो है अगर आपको 12 पीस चाहिए वो कितने की है? 150 रुपए की। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पर ट्राई करा, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये मैंने पूरी कराची में कहीं नहीं देखी। तो आप लोग लाजमी आएँ और इसको ट्राई ज़रूर। ये क्या बनाने जा रहे हैं? ये हमारे पास ये बेलपूरी होती है, पूरी इंडिया की रेसिपी पे बनी हुई है। देखें अजीन मफली है, मूँगफली, पापड़, सारी चीज़ें हैं। गुजराती आइटम होता है ये, सारे गुजराती आइटम। अच्छा, इसके रेट बताएं आप। ये 80 रुपीज़ की है, पार्सल 150 का। अच्छा, 80 रुपीज़ में आप वो उसमें बना के देते हैं बाउल में। और अगर पार्सल लेना चाहे तो वो 150 रुपये की है। आलू जल रहा है इसमें, आलू डलते हैं। और ये चने आलू। अच्छा, इसमें भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, खट्टा डालना है, मीठा ज़्यादा डालना है। हाँ जी, हम खट्टा भी नींबू से करते हैं जो तेज़ मांगते हैं। ये हो गए तैयार, अभी इसमें पापड़ी डलेगी। ये देखेंगे चटनी डालेंगे। ये लाल वाली जो है ये गार्लिक सॉस, गार्लिक सॉस है। और ये मीठा डल रहा है, ये मीठा है आलू बुखारे का। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये बेलपूरी हमारी कंप्लीट हो गई। क्या ज़बरदस्त, आप ये देख सकते हैं कि डेकोरेशन ही है बता रहा है कि इसमें क्या टेस्ट होगा।
होती है। ये आलू आ गए हमारे और ये चने आ गए और ये आलू आ गई और प्याज ये क्या भेलपुरी क्या है? ये सेव पूरी है। सेव पूरी है। अच्छा जो भेलपुरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ डलती है? उसमें और दूसरी चीज़ डलती है? अलग दूसरी चीज़ है। ये कंप्लीट ये सेव पूरी आप बन गई है तो ये अभी बन रही है मैं दिखाता हूँ आपको ये बाबूलाल ये प्लेट भी 50 रुपीज़ की है। ये 50 रुपीज़ की प्लेट आ गई। वाह भाई वाह। आप डेकोरेशन को देते हैं वक्त जो है ना। वाह ये क्या चल रहा है? ये जो पीला वाला ये सॉस है। ये आलू की चटनी होती है। अच्छा आलू की चटनी है। जी जी जी। और ये कंप्लीट हो गई है। बेहतरीन। क्या भाई क्या बात है ज़बरदस्त। ये हमारा सूपरी जो है तैयार 50 रुपये हो 50 रुपये ज़बरदस्त बेहतरीन। आया था और इनका मैंने जो ना भेलपुरी ट्राई करा और इनके जो है गोलगप्पे मैंने ट्राई करे बड़े यूनिक गोलगप्पे थे और इनके जो है चटनी वगैरह हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक लगा है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास और क्या क्या आइटम है? हमारे पास जो है भेलपुरी स्पेशल होती है हमारे पास, फिर उसके बाद सेव पूरी है जो हम तारीगोड़ में बेचा करते थे। भेलपुरी भी तारीगोड़ में बेचते थे कि हमने पीआईबी में लगाया ठीक है। पीआईबी गालू ने 48 के बराबर में ठीक है ठीक है। अच्छा और हफीज़ की दुकान की बिल्कुल साथ है ये ठीक है ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपके पास जो जो आइटम है आप मुझे लिस्ट दिखाएं। ये लिस्ट इसमें, इसमें मुझे बताएं कि क्या किसके क्या क्या रेट है और इस प्लेट में और उसमें पार्सल में क्या क्या चीज़ें हैं? पार्सल में हमारे पास तो मुकम्मल सारी चीज़ें हैं और भेलपूरी है, सेव पूरी है, पानी पूरी, मीठी पूरी स्पेशल होती है, शाही पूरी होती है और लाहौरी चाट होती है हमारे पास और लाहौरी फ्रूट चाट भी हमारे पास जो हम आजकल लाइफ काट के बनाते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा इसमें जो है मुझे चाट आपने लिखा हुआ है, चाट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, आप ये किस तरह से? ये हम बिल्कुल फ्रेश काट के बनाते हैं हाथ के हाथ में फ्रूट चाट जो है। अच्छा हाँ तो आज जो है काट के हर चीज़ फ्रेश काट के बनाते हैं। क्रीम में आलू बुखारी की चटनी और दही डालते हैं उसमें। और उसके क्या प्राइस है? वो 80 रुपीज़ की है। 80 रुपीज़ की एक प्लेट जी। इसमें कितना एक बंदा खा ले दो बंदे? उसमें माशाल्लाह दो बंदे खा ले ज़बरदस्त ठीक है। जिसको भी आना हो यहाँ पर पीआईबी कॉलोनी लोकेशन है और ये जो है ये सब्जी वाली गली जो है ये पीआईबी में मेन जो है ये जगह मशहूर है और उसी के सामने जो है आपको ये आपको स्टॉल नज़र आ जाएगा, ठेला नज़र आ जाएगा क्योंकि आपको ये नाम भी आपको चना चाट पापड़ी आपको नज़र आ जाएगा तो आके ज़रूर ट्राई करें आप लोग। और बेहतरीन यहाँ पर जो है चना चाट और भेलपूरी और सारे इंडियन जो आइटम है वो सारे आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।